वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपके साथ असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, जिसे आर्ट भी कहा जाता है। ये आर्ट क्या है? ये आर्ट जो है एक तरीके की बून है और बेनिफिट है फॉर द अनफर्टाइल कपल। जो अनफर्टाइल कपल यंग वन को बर्थ नहीं दे सकते, उनके लिए ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा वो यंग वन को बर्थ दे सकते। क्योंकि जो बर्थ ना देने का रीज़न जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वेरियस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती है, जिसके कारण जो है अनफर्टाइल कपल्स को भी जो है वो यंग वन को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो टेक्निक डिस्कस हो रही है, दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड एज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF भी कहा जाता है इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक है, इस IVF में क्या किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको वन बाई वन डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि IVF टेक्निक में कैसा परफॉर्म। तो सबसे पहले कहता है, IVF मीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर जो है फर्टिलाइज करवाना है, और उसमें क्या है, सिमिलर कंडीशन दी जाती है। इसका मतलब जो है, जो कंडीशन यूट्रस जो है वूम में होती है, वही कंडीशन जो है हम आर्टिफिशियली, और साइंटिस्ट जो है वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, या डॉक्टर जो है आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पर क्या किया जाता है, मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज़ किया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर करवाई जाती है। तो इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड द क्या कह सकते हो आप, फर्टिलाइजेशन ना करने लेबोरेटरी कंडीशन, तो उनको आप कह सकते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरी बात क्या कह रहा है, कहता है एग इज़ कंबाइंड विद द पार्टनर स्पर्म। तो एग जो है आप कह सकते हो फीमेल से एग ले लिया और मेल पार्टनर से स्पर्म ले लिया, उसको क्या किया जाता है, एक पेटी डिश में रखा जाता है और लेबोरेटरी में उसको फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगी, वन द फर्टिलाइजेशन हैज़ अकर, जैसे ही फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगी, द रिजल्टिंग एम्ब्रियो डवेल फॉर 3 to 5 days बिफोर बींग प्लेस इन ए यूट्रस। तो कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ डिवीज़न तक, ठीक है, कुछ डिवीज़न तक उसको छोड़ दिया जाता है, उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में ही डिवाइड करने के लिए, दैट मीन्स कुछ ब्लास्टोमियर स्टेज तक, आप ब्लास्टोमियर स्टेज पे जो है आप कह सकते हो उसको डिवाइड करवाया जाता है। और जब वो जैसे उस ब्लास्टोमियर स्टेज जो होती है मेनली जो है वो 32 स्टेज तक की रेंज होती है, दैट मीन्स लगभग 3 से 5 दिन का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल कंडीशन में रखा जाता है, और उसके बाद ही फीमेल के यूट्रस में वो प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। अब बात यहाँ पर क्या हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि जो मदर है उसका जो जो वूम्ब है वो प्रॉपर, जो यूट्रस है उसकी डेवलपमेंट उस वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, उस केसेस में सैरोगेट मदर को सिलेक्ट किया जाता है। सैरोगेट मदर जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, और फिर वो जो फर्टिलाइज एग है वो उसके वूम में प्लेस किया, वूम में और यूट्रस में प्लेस किया जाता है, और वो जो है वो जो जेस्टेशन पीरियड है वो फिर सैरोगेट मदर में कंप्लीट होता है। इस तरीके से जो है यंग वन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेल पार्टनर से स्पर्म ले लिया गया है और फीमेल पार्टनर से एग लिया है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है इस और डिश में हो रही है, तो इसको ही आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और अनदर नेम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं दूसरा मेथड, जिसे आप गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो दूसरा मेथड जिसके थ्रू जो है यंग वन को बर्थ दे पाते हैं अनफर्टाइल कपल, वो है आपका गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, तो जिसे गिफ्ट भी कहा जाता है। तो गिफ्ट की याद रखना, गिफ्ट की फुल फॉर्म है इन विट्रो गैमेट इन विट्रो फलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, द मेथड इज़ यूज इन ए फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, वो फीमेल जो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है किसी रीजन से। ठीक है, ठीक है, उस केसेस में ये गिफ्ट वाली टेक्नोलॉजी परफॉर्म की जाती है। मगर क्या कहता है, बट कैन प्रोवाइड ए सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। कहता है फर्टिलाइजेशन के लिए उसके पास सूटेबल कंडीशन है कि फर्टिलाइज हो सकता है आराम से एग, बट कह रहा है कंडीशन क्या आ रहा है कि एग नहीं प्रोड्यूस कर रही है फीमेल, तो उस केसेस पे गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। इस केस में क्या किया जाता है, कहता है ओवम इज फ्रॉम द डोनर फीमेल,
ओवम जो है डोनर फीमेल से लिया जाता है और सर्जिकली रिमूव किया जाता है, इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लॉपियन ट्यूब ऑफ सच फिल्म फीमेल्स। तो कहने का मतलब वो फीमेल जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, उस केसेस में दूसरी वुमेन से क्या किया जाए, सर्जिकली ओवम जो है निकाला जाता है, वो ओवम जो है फिर वो प्लेस किया जाता है किसके, फीमेल के कह सकते हो फिलोपियन ट्यूब में प्लेस कर दिया जाता है। बाकी क्योंकि इन्वायरमेंट उसका फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ओवर प्रोडक्शन की थी, तो वो उसके बाद जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद कह रहा है द फीमेल एक्सेप्ट द स्पर्म फ्रॉम हिज हस्बैंड ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन प्रोसेस से फीमेल जो है वो स्पर्म को एक्सेप्ट कर लेगी फ्रॉम हिज हस्बैंड और एज अ रिजल्ट जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस की उसको प्रॉब्लम नहीं थी, यूट्रस अब प्रॉपर डिवेल्प्ड है, डिवेल्पमेंट परफॉर्म कर सकता है। तो उसमें उस फीमेल्स में सिर्फ एक अनफर्टिलाइज की कंडीशन इसलिए बन रही थी क्योंकि फीमेल जो है वो ओवा को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही थी, वो ओवम की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रही थी। उसकी सॉल्वेशन, उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि दूसरे से, दूसरी वुमेन से एग को निकाल दिया जाता है, ओवम को फिर फ्लॉपिंग ट्यूब में उसको प्लेस कर दिया जाता है और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है।